आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। वेलकम टू डाउटनेट। क्वेश्चन इज, इन एन एक्सपेरिमेंट, ब्रास एंड स्टील वायर्स ऑफ लेंथ 1 मीटर ईच विद एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर आर यूज्ड। The wires are connected to a rigid support and other end is subjected to elongation. The stress required to produce a net elongation of 0.2 mm is given that Young's modulus for the steel and brass are respectively 120 into 10 raised to 9 Newton per meter square and 16 into 10 raised to 9 Newton per meter square. So, यहाँ पे चार options दिए गए। First option is 18 into 10 raised to 6 Newton per meter square. Second option is 1.2 into 10 raised to 6 Newton per meter square. थर्ड ऑप्शन इज 4 × 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड लास्ट ऑप्शन इज 0.2 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन में हमें स्ट्रेस जो लगने वाला है इस 0.2 mm इलोंगेशन होने के लिए, वो स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। ओके, सो एक रिजिड सपोर्ट है, उसी को स्टील एंड ब्रास दोनों टाइप की, जो ब्रास प्लस स्टील जो वायर है वो कनेक्ट की गई है और इसका एक एंड जो है वो फोर्स अप्लाई करने के लिए फ्री रखा गया है। तो यहाँ पे जो फोर्स कांस्टेंट लगेगा उसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा y1A1 / L1। सो y1 की वैल्यू है 120 × 10⁻⁹ और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम ही है 1 mm² समथिंग। ओके, डिवाइडेड बाय लेंथ भी सेम है 1 मीटर। ओके, सो सेकेंड वाला फोर्स कांस्टेंट जो लगेगा वो होगा y2A2 डिवाइडेड बाय L2। सो यहाँ पे जो यंग्स मॉडुलस है वो 16 × 10⁻⁹ है, एरिया सेम ही है दोनों का तो 1 mm² डिवाइड बाय लेंथ भी सेम है तो 1 मीटर। ओके, अगर हमें इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो उसकी वैल्यू होती है K1 + K2 / K1 + K2। ओके, K1 + K2, तो यहाँ पे हमें मिलेगा इट इज़ इक्वल्स टू 120 × 60 एंड 120 + 60 = 180 × 10⁻⁹, मैं 9 कॉमन लेती हूँ, इंटू ए। सो ए क्या है हमारा 1 mm². ओके, तो यहाँ पे हम 1 mm² भी रख सकते हैं। ओके, 1 mm², तो हमें इक्विवेलेंट के मिलेगा, ये अगर सॉल्व करेंगे तो 40 × 10⁻⁹ × 1 mm², दिस इज़ योर इक्विवेलेंट के वैल्यू। सो हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, वो होता है इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो वो है 40 × 10⁻⁹ इंटू ए की वैल्यू है 1 mm², तो मिली मीन्स 10⁻³ उसका स्क्वायर। सो यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर में लिख रही हूँ एंड एक्स की वैल्यू जो है वो 0.2 mm है, तो 10⁻³। ओके, ये लिख रही हूँ। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे, मिलीमीटर का मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन करोगे, तो ये यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो 8 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिलेगी। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिलेगी, कब, जब ये एरिया नीचे लोगे तब। ओके, सो कब मिलेगी, ये एफ है और ये यहाँ पे हमने एरिया रखा है, जस्ट एरिया ए रखा है, तो एफ बाय ए करोगे तो ये अदर वैल्यूज़ का मल्टीप्लीकेशन करके आपको ये वैल्यू मिलेगी और उसको सिर्फ मिलीमीटर का मीटर स्क्वायर करना है, तो हमें ये वैल्यू मिलती है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो स्ट्रेस, एफ बाय क्या होता है स्ट्रेस, तो हमें स्ट्रेस ही कैलकुलेट करना था। सो स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ नेट इलोंगेशन ऑफ 0.2 mm इज 8 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।